पुलिस हमारे को मारपीट पीट की है और मार ऐसी गाली की है, हमें मंदिरों से निकल दिए, माँ बहन की गाली देती है जो हमसे 1,000, 2,000, 5,000 रुपए डिमांड करती है और रात भर जेल में पटकती है, किस लिए? खाली हम ड्राइवर मजलूम में बेबस है, हमारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा, ये और ये हमारा हमें बहुत खुशी है। एक मिनट, रोटी आज मस्जिद से, मंदिर से, रोटी आज हमारे काम से, आप लोग बता लो क्या रोटी जब अधिकार नहीं मिलेगा जब अधिकार नहीं मिलेगा तो ये बगावत बनता कैसे? जब आप लड़ाई लड़ते हो, जब नहीं मिलता है तब बगावती बागी बनता कौन है? जब अधिकार हमारा नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, सरकार दे तो रही है सबको सम्मान अधिकार, कहाँ दे रही है? साल में हो जाती है लेकिन एक भी ड्राइवर, अरे नहीं ये लोग, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सरकार से अपना हक मांग रहे, जो हक मांग रहे हैं हम सरकार के खिलाफ, जो कह रहे हैं वो आप कटिंग कर दोगे, आप ये दिखाओगे कि हाँ भाई आपके खिलाफ आए, बस थोड़ी सी सच्चाई दिखाते हैं। 5-10 kg का बंदूक लेकर, मैं ये नहीं कि विवादित बयान बोल रहा हूँ, मैं इस बात को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5-10 kg का बंदूक लेकर अगर कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि वो शहीद हो गया, और टनों के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की सड़कों पे वो ड्राइवर दिन रात काम करते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं? पी के मर गया हो। हजारों की नहीं, लाखों की संख्या में ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों के? पहले आपका संगठन जानना चाहेंगे और आपका पूरा परिचय जानना। जी जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और मैं ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ जितने लोग आए हैं आप देख रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ एक ड्राइवर नहीं है, ये जो लोग हैं वो सब कार्यकर्ता हैं जो भारत के सभी राज्यों से चलकर अपनी मांग, अपने हक और अपने सम्मान के लिए आज इस जगह पे खड़े हुए हैं, और पिछले 10 सालों से हमारी सरकार से मांग पत्र देते आ रहे हैं, मांग पत्र, और बड़ी उम्मीद थी इस सरकार से हमें कि भारत में कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी ड्राइवरों के लिए, लेकिन आज हमें ये जो सड़क पर उतरने की नौबत आ गई, स्टेयरिंग छोड़ने की जो नौबत आ गई, और आज हम यहाँ खड़े हैं भारत के सभी राज्यों में, सभी ड्राइवरों के द्वारा हर जगह कहीं न कहीं किसी राज्य में गाड़ियों को नहीं चलाया जा रहा है, वो सब वीडियो फुटेज हम लोगों के पास आने लगे हैं, तो ये जो नौबत आई है, ये नौबत इसलिए आई है कि आज सरकार 9 साल बाद, अब 10 साल होने वाला है, अगले साल इलेक्शन है, लेकिन अभी तक एक ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस के लिए एक बार ड्राइवर राहत कोष के लिए अगर बोल देता है ये लोग, जितना ये लोग सभा में फूल में खर्च कर दिए होंगे ना मोदी जी अभी तक, उसमें का भी अगर कुछ बचत कर लिए होते तो ड्राइवर जो सड़कों पे मर रहे हैं उनके परिवार न बिखरते, उनके, मैं आपको क्या बताऊं कि आज भारत के ड्राइवरों की स्थिति वो है जो दुर्घटना होने के बाद, मैंने ऐसे कई ड्राइवरों के घर को देखा है कि बिखर जाते हैं, उनके औरत बच्चों की क्या स्थिति बन जाती है, जो मैं इस समय बोल नहीं सकता, क्योंकि वो शब्द मैं नहीं बोल सकता। अच्छा सर, आप लोगों को जगह जगह परेशान भी किया जाता है, वसूली की जाती है, उस चीज के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं ना? ये जो राज्य की सीमाएं हैं, राज्य की सीमाओं पर अवैध वसूली, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार जब ये आए थे ना तो इन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार बंद करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिवहन सेक्टर में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है ना, ये मोदी सरकार में भी कई गुना ज्यादा और बढ़ गया है, पहले जो था ना उससे भी कई गुना बढ़ गया। अब नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैंने सड़कें बनाई है, अरे सड़कें आपने बनाई है तो आमदनी का जरिया बनाया है, हर कदम कदम पे आपने टोल लगाया, आपने जरिया बनाया है, आप कहते हो हमें पैसे की कमी नहीं है, अरे आपको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ड्राइवर जो सड़कों पे मरते हैं, जो सड़कें आपने बनाई है बेहतर, जिन सड़कों पे ड्राइवर चलते हैं उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए आपके पास कहाँ कभी कोई फंड आया? आपने कभी कहा कि नहीं भाई इनके लिए भी कुछ फंड होना चाहिए, जो दुर्घटना होने के बाद इनको कुछ राहत मिल जाए? कोर्ट केस चलता है, वो लास्ट में डिसीजन मिलता है। अरे लास्ट में क्या मिलता है, 30-40% खाने वाले लोग पड़े हुए हैं। एक आदमी, मैं तो आपको बता दूं कि अभी मेरे पास उत्तर प्रदेश हरदोई जिला का एक ड्राइवर का आया है, जिसके मैं बता रहा हूँ पाँव कट गया, वो 6 महीने तक इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, और जब 6 महीने बाद आता है, उसके गाड़ी मालिक ने गाड़ी को उठाया, गाड़ी भी बेच दिया, ना FIR ना कोई, जब थाने में पहुंचा वहां के DM तक मैंने मैसेज दिया, वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं हुआ। तो आज भी 40% तो ऐसे ड्राइवर हैं जिनकी दुर्घटनाएं जो होती है ना, उसका कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं होता है, ये इतने क्रॉप्ट बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक, आप क्या समझ रहे हैं? राज्य की सीमाओं पर जो अवैध वसूली हो रही है ये ऊपर तक जाता है। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य क्या है? ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का उद्देश्य ये है
कि भारत के सभी ड्राइवरों को सम्मान मिले, भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो, टैक्सी, ट्रक, बस, जो भी चला रहे हैं, जो कमर्शियल वाहन, जो पेशेवर ड्राइवर हैं, उन सभी के लिए हम खड़े हैं और उनको एक सम्मान मिले, ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर दिवस हो, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने और भारत में जो आज ड्राइविंग के लिए, आपको मैं बता दूं कि जो ट्रक चलाते हैं ड्राइवर, उनके साथ खलासी नहीं मिलता है, हेल्पर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस मोटर सेक्टर से कोई आना नहीं चाहता है, शर्म से बताना नहीं चाहता है कि मैं ड्राइवर हूँ। शादी, अगर कोई नौजवान ड्राइवर है, वो शादी नहीं होती है ड्राइवर बताने से, ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी इसी समाज से आते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग से, ड्राइवर बताने में लोग शर्माते हैं। तो मैं चाहता हूँ, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के अंदर ड्राइवर बचाओ, देश बचाओ, भारत के अंदर लोग गर्व से कहे कि मैं एक भारतीय ड्राइवर हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, ये संगठन का उद्देश्य है। फर्क पड़ेगा ना, फर्क तो ये पड़ेगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मार्च को हम लोग यहाँ आए थे और आज इस लास्ट 1 दिसंबर को यहाँ आए हैं और 1 दिसंबर के बाद अभी भी हमारे पास वक्त है, इलेक्शन जो है ना, वक्त है, क्योंकि हमारे पास तादाद इतनी है ना कि हम अपने मत का प्रयोग करेंगे और ये कहते हैं ना कि हम सरकार बना लेंगे, हम इनकी सरकार नहीं देंगे तो कितना चुनाव, अरे 22 करोड़ ड्राइवर हैं और उसके बावजूद आपको मैं बता दूं कि उनके परिवार हैं, 22 करोड़ इक्वल टू आप देखेंगे तो हर घर से ड्राइवर निकलेगा, आप पहचान नहीं पा रहे हैं और ड्राइवर जो है ना किस तरह पहचान नहीं रहे, वो उस हनुमान जी की तरह, उस हनुमान जी की तरह पहचान नहीं रहे हैं जिस ताकत को बताने का काम ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ कर रहा है। ये हम सिर्फ ड्राइवरों की ताकत को बताना चाह रहे हैं उस हनुमान जी की तरह कि देख लो भाई, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस लंका को उड़ के पार कर लोगे, बस ये जगाने का काम हम कर रहे हैं। जिस दिन ये ड्राइवर जग गए तो सरकार बदलने की क्षमता अगर इस भारत में कोई बदलेगा तो ड्राइवर ही बदलेगा। आयोग की आवश्यकता क्यों है? ड्राइवर आयोग कहने का मतलब कि ड्राइवरों के लिए कानून बने, ड्राइवरों के लिए जब एक कानून व्यवस्था क्यों नहीं, आज जो कदम कदम पर शोषण हो रहा है आप देख रहे हैं, ड्राइवर के हालात इतने हैं ना क्या, ये आपने कहा बहुत सुंदर बात कहा, मैं इस पे भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। आज आपको बता दूं कि एक ड्राइवर की आयु अगर 60 साल होती है वो 40 साल में मर जाता है, इसके बारे में आपने पूछा है? जो शौचालय की मुद्दा जो मैं 2018 से बोल रहा हूँ कि सड़क किनारे जो डब्बा लेके लोग बैठते हैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शौचालय एक बड़ी समस्या होती है ट्रक ड्राइवरों के लिए, जब वो आदमी पेट उसका क्लियर नहीं होता है, वो बीमारी क्या हो, ये इस तरीके से होता है कि खाना नहीं पचना, नशा करना, वो 24 घंटे जब काम करेगा तो नशा कौन करता है, जब उसे थकावट महसूस होने लगती है तो उसे लगता है कि शराब, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाना है, मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन नशे की स्थिति क्यों बनती है, अगर हर 60 किलोमीटर पर अगर या 100 किलोमीटर पर अगर रेस्ट रूम बना होता जो ड्राइवर सुकून से सो जाते, आज अगर स्थिति ऐसी है कि कहीं ड्राइवर गाड़ी लगा के सो जाए तो उसका डीजल चोरी हो जाएगा, माल चोरी हो जाएगा, टायर खोल के लेके चले जाएंगे, आप क्या समझ रहे हैं, और प्रशासन इस पर होटलों में होटल बने, भारत में इतने होटल बने हैं, वहाँ पर क्या जो टैक्सी ड्राइवर जाते हैं उनके लिए कोई रेस्ट रूम बना हुआ है? कुछ नहीं बना हुआ। आज FIR करने के लिए कई थानों के अंदर मैंने भेजा है लोगों को, वो पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक पूरे क्रॉप्ट है। और मैं आपको बता दूं कि ये ड्राइवर ही इस देश में अपनी बेहतरी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ड्राइवरों की समस्या है और ड्राइवरों की समस्या ड्राइवर के द्वारा कोई नहीं लड़ेगा। किसे? अच्छा तो एक मिनट, पुलिस वाले नहीं, नहीं पुलिस वाले के साथ क्यों बदतमीजी नहीं करेगा, जब परिस्थिति हो जाती है इंसान को, जब आप कमजोर आदमी को जब परेशान करते हैं ना, एक बच्चा छोटा सा होता है, अगर उसको बार बार मारते रहेंगे ना, वो बच्चा भी हाथ उठाने लगता है। तो ये समाज ने लोगों को ऐसा बना दिया, और जब आप अंदर से जगाएंगे लोगों को ना, तो ये क्रांति का रूप पकड़ेगा। अभी तो हम धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ये क्रांति जो है ना, क्रांतिकारी बनते कहाँ से? हर 20-50 किलोमीटर में ड्राइवर के साथ में मारपिटाई होती है, उससे 2,000-3,000 रुपए डिमांड करते पुलिस। सारे कागज होने के बाद ड्राइवर भारत में शराब पीते, इसके कारण भारत में ड्राइवर के लिए सुविधा नहीं, ड्राइवर के लिए कोई कानून नहीं है सर। रीजन मैडम मैं बता रहा हूँ, रीजन क्या दारू पीने का? एक रुक जा, रुक जा, दारू पीने का सिंपल सा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की माथे पर है। गाड़ी हाथ में आ गई ना, 1,000 किलोमीटर जाना है, 1,500 किलोमीटर जाना ना, तो ड्राइवर जाएगा, हेल्पर तक नहीं देते मालिक, गाड़ी मालिक पैसा देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वो क्यों नहीं पिएगा, आपको कहना कि भाई 12 घंटा में 24 घंटा मार पहुंचा दो, ड्राइवर क्या करेगा?
जैसे तेरी नौकरी गई तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। ड्राइवर गाड़ी रखवाली करनी होती है और सरकार ने खुद रोड पर ठेके खोलवा रखे, क्यों खोला हमने, क्यों खोला हमें? अरे शराब नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है, दो चार घंटे अगर रेस्ट ले रहा है तो उस समय शराब पी सकता है, ये कोई शराब वाला मुद्दा नहीं। लेकिन शराब पी के नहीं, शराब पी कर गाड़ी चलाना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कहते हैं कि शराब पीना नहीं है, गुटखा खाना नहीं है, और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है जो गुटखा का प्रचार करने के लिए जो बैनर लगाए हुए हैं, अगर सरकार में मैं पूछ रहा हूँ कि जब गलत अगर इस आंदोलन का क्या सरकार पे असर पड़ेगा? सरकार पे असर बेहतर पड़ेगा, ये एक तक सिर्फ एक टेलर है, टेलर है, टेलर, 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 टेलर। हम सरकार को अवगत करवाने के लिए आए हैं, ये खाली मैसेज है, सिर्फ मैसेज है, मैसेज है, सिर्फ मैसेज है। सरकार जो है ना, सरकार और सरकार और इस संघ, एक मिनट सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी गलती करे ड्राइवर गुनहगार, प्रशासन गलती करे ड्राइवर गुनहगार, मोटर मालिक गलती करे ड्राइवर गुनहगार, पुलिस प्रशासन गलती करे ड्राइवर गुनहगार, सरकार गलती करे, भारत सरकार गलती करे ड्राइवर गुनहगार, कुछ भी गलती कर लो, कुछ भी गलती हो जाए ड्राइवर को कसूरवार गुनहगार बना दो, सारे कागज पूरी गाड़ी ओपन करके देता है, पास का वो आजाद हो जाए, मांग करते हैं अच्छा मैडम, एक बात बताएं एक बात बताएं बिहार में मैकेनिकल टैक्स सुनिएगा, और बंगाल में इंटर टैक्स, डेंटल टैक्स, ये टैक्स क्या है, इसकी परिभाषा कोई बताए, डेंटल टैक्स क्या है सरकार, और ये बताए कि मैकेनिकल टैक्स क्या है, ये लगता है बिहार में और बंगाल में। अगर आपकी बात को सरकार नहीं सुनती है तो आगामी योजना क्या है ड्राइवर? अगला 2024 में, 2024 में वोट का मार देंगे सरकार को, यानी कि भारत के ड्राइवर अपनी सुभिक्षा से, अपनी मर्जी से, हर एक उम्मीदवार से घोषणा पत्र में मांग करेगा कि बताओ भाई इस इलेक्शन में ड्राइवर के लिए कौन सी जी, क्यों 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 नहीं करेगा? अधिकार है, हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, नागरिक का, भारत का हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा हमारे संविधान में संशोधन है कि भारत का हर एक नागरिक अपनी आवाज बुलंद कर सकता है, और इस बार देंगे चोट वोट का मार से, अगर सरकार नहीं मानी तो इस बार पूरे इंडिया में प्रचार करेंगे कि भाई इस बार ड्राइवर की सरकार, इस बार ड्राइवर की सरकार, बिल्कुल नहीं बनेगा, नहीं बना आपको भी बताना चाहता हूँ ड्राइवर सिर्फ स्टीयरिंग नहीं घुमाता, चक्का नहीं घुमाता, एक दिन देश को और पार्लियामेंट को भी चलाने का काम करेगा। एक रात में गाड़ी नहीं घुसती। मैं आपको बता दूं, सब्जी की आपको, आपने कहा कि ड्राइवर सरकार बनाएंगे, एक ड्राइवर बोलो एक मिनट, आपने कहा कि ड्राइवर सरकार बनाएगा, तो मैं आप इस पे आप कह रहा हूँ, हर गीत गाने वाले संसद में चले जाए ना, डांस करने वाले संसद में पहुंच जाएं, वो पहुंच सकते हैं, वो पहुंच सकते हैं, लेकिन ड्राइवर मैं बता रहा हूं कि आज 5-10 kg का बंदूक लेकर, मैं ये नहीं कि विवादित बयान बोल रहा हूं, मैं इस बात को एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5-10 kg का बंदूक लेकर अगर कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि वो शहीद हो गया, और टनों के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की सड़कों पर वो ड्राइवर दिन रात काम करते हैं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, पी के मर गया होगा, बदनाम करते हैं। एक ड्राइवर आज तक किसी भी कंपनी के अंदर 2000 गाड़ियां रखने वाले हों या 4000, भारत की जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वहां तक जाएगा, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि ड्राइवर की मौत के बाद जी सर थोड़ा सा बस हो गया, नहीं नहीं मैं एक मिनट सुन लीजिए, मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि आज वहां ड्राइवर इतने सालों से जो काम करते हैं ना, 10 गाड़ी से वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ बन गई, दिखाना नहीं है आपको, मैं बता दूँ, हम लोग सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, इन्होंने दिखाना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने दिखाना नहीं है, सरकार तक आवाज पहुँचानी नहीं है, बीच में से पॉइंट होगा, आप बीच में से जो पॉइंट होगा ना, वो आप कटिंग कर दोगे, मुझे पता है, नहीं कटिंग करेंगे, एक मिनट, आज मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए,
अरे 10 गाड़ी से वहाँ 2000 गाड़ियाँ बन गई ना, ड्राइवर की मौत साल में हो जाती है, लेकिन एक भी ड्राइवर, अरे नहीं ये लोग, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सरकार से अपना हक मांग रहे, जो हक मांग रहे ना हम सरकार के खिलाफ, जो कह रहे ना वो आप कटिंग कर दोगे, आप ये दिखाओगे कि हाँ भाई आपके खिलाफ आए हैं, बस थोड़ी सी सच्चाई दिखाते हैं, ड्राइवर रो रहा है, ड्राइवर आज भारत के मरने के कगार पे, कहाँ दिखाते हो, कौन सी मैं इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कहाँ दिखाता है, अरे नेशनल मीडिया क्यों दिखाता है, नहीं दिखाता है, मेन बात नहीं दिखाता है, मेन पॉइंट नहीं दिखाता है, मेन पॉइंट नहीं दिखाता है, ड्राइवर की दर्द नहीं दिखाता है, ड्राइवर की आंख नहीं दिखाता है, एक बार भी दिखा दो 77 साल में आड़ी लाइव चैनल में चल रहा है, एक बार भी नहीं कहीं दिखाया गया, ड्राइवर का सोशल कहीं नहीं दिखाया जाता, अगर आप दिखाना चाहते हो तो बोटिया पे दिखाओ, राजस्थान की, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, राज्य सरकार के बोटिया पे दिखाओ, अपने हक मांगते बगावत नहीं करते, नहीं जब अधिकार नहीं मिलेगा नहीं नहीं एक मिनट, जब अधिकार नहीं मिलेगा तो ये बगावत बनता कैसे, जब आप लड़ाई लड़ते हो जब नहीं मिलता है तब बगावती बागी बनता कौन है, जब अधिकार हमारा नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, सरकार दे तो रही है सबको सम्मान अधिकार, कहाँ दे रही है, 300 आप इन लोगों से पूछिए, लाखों आज 50 आदमी की जान बचा के खुद मर जाता है, खुद मर जाता है, अपनी जान दे देता है 50 आदमियों की जान बचा के, उसको क्या मिलता, वो लास्ट में क्या होता है कि मेरी सवारी ना मरे, आज बस का ड्राइवर 56 आदमियों को लेके चलता है, खुद मर जाता है, लेकिन बात ये है, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया जाता, पापा घर कब आओगे, शहीद का दर्जा नहीं है क्या उसका, मिल जाए कुछ, हमारे को मार के पीट दिए और मां बहन की गाली छीनी है, हमें मंदिरों से मतलब नहीं है, मां बहन की गाली देती है जो हमसे 1000 2000 5000 रुपए डिमांड करती है और रात भर जेल में पटकती है, किस लिए, खाली हम ड्राइवर मजदूर में बेबस है, हमारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा, ये और ड्राइवर के लिए हमारी, ये हमारा क्यों जाने ना मस्जिद से, हमें बहुत खुशी है, एक मिनट, रोटी आगे मस्जिद से ना मंदिर से, रोटी आएगी हमारे काम से, हमारी मजदूरी से रोटी आएगी, मंदिर मस्जिद से नहीं आएगी रोटी, एक मिनट, एक मिनट, आप क्या बोले, एक मिनट, आप क्या पूछ रहे, बोलिए क्या पूछ, मैडम जी जो राम मंदिर बनाया गया ना उसका सामान भी एक ड्राइवर ने धोया होगा, अरे आप किसने धोए, एक भारतीय ड्राइवर का बिना राम मंदिर नहीं बन सकता, मैडम ये लफ्ज मत बोलो, ये लफ्ज मत बोलो, आप गलती कर रहे हो, एक मिनट, प्लीज आप हमारे बात में, मामा जी आप ये बात हमारे मुंह न ठूसे, वो मामा जी राम मंदिर बने, अरे सर रुके ना, बाटरों पे बात होती ना, बाटरों पे बात होती है, राम मंदिर बने, हनुमान मंदिर बने, गुरुद्वारे बने, मस्जिद बने, हमें कोई सुकून नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है यह मंदिर जो मर रहे हैं, जिंदा मंदिर इसको कौन बचाएगा, अगर है ना, इनको बचाएगा, खबरें ऐसी चलती है, जो हमारे अधिकारी जी ने आगे बताया है कि अपनी मांगे तो पूरी करवाना है, अपने को आगे आगे में, तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी ड्राइवर परिवार आए हैं, जब तक अपन यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक अपनी 29 सूत्री मांगे नहीं मिलेगी अपने को, तो सबको मिलके सामना करना है, अपने को यहाँ से उठना नहीं है, ये विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना है, और हर एक इंगल आप लोगों से उम्मीद, क्योंकि मेरे को मध्य प्रदेश के चेहरे सामने आ रहे हैं अधिकतर, तो हम जिस तरह से वादा करा है हमारे राष्ट्रीय अधिकारी जी से, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश का सवाल है, अपने मध्य प्रदेश की इज्जत है ये, तो अपने को 29 सूत्री मांगे मनवा के ही निकलना है यहाँ से, आप लोगों को डट के जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की, और बाकी हमारा विचार हमारे प्रदेश